चलिए बढ़ते आगे। मौत की रेस ने एक युवक की जान ले ली। जी हाँ, मेवात के मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। रेसिंग कर रहे थे बाइक सवार युवक और अज्ञात ट्रॉला की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। दोस्तों के साथ एक्सप्रेसवे पर रेस लगा रहे थे और बाइक रेस के दौरान एक युवक की बाइक एक ट्रॉला से जाकर टकरा गई और इस हादसे में युवक की मौत हो गई। अपने दोस्तों के साथ एक्सप्रेसवे पर रेस लगा रहे थे। हमारे सहयोगी कासिम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कासिम, क्या जानकारी मिल पा रही है? साकिर, ये जो मामला है ये काफी बड़ा मामला है। सारे हाई प्रोफाइल परिवारों के जो लड़के हैं वो रेसिंग के लिए कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे पर निकले थे और उसी दौरान एक युवक की जो बाइक है वो ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई थी और जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक दिल्ली का रहने वाला था और लगातार ये एक हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से सुर्खियों में ये मामला बना रहा। तावड़ू पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को हवाले कर दिया गया है। ट्रॉला के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? हादसे की किस कारण से यह हादसा हुआ? क्या इसमें बाइक सवार युवक की गलती देखी जा रही है? देखिए, जहां तक साकिर हादसे की बात है तो ये जो बाइकें हैं ये कम से कम 20-20, 25-25 लाख रुपए इनकी कीमत बताई जा रही है, जिनसे युवक रेसिंग कर रहे थे। उनके सामने अचानक आगे एक ट्रॉला चल रहा था जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि ड्राइवर ने अचानक ताला में ब्रेक लगा दी और जो बाइक है उसके नीचे घुस गई, जिससे इस युवक की दर्दनाक वहां पर मौत हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।